लेट्स बी रियल, उस व्यक्ति ने मुझे यह भी कहा कि लिक्विडिटी क्राइसिस आप कहते हैं, वी डोंट हैव कैश, वी आर, देर इज अ सीरियस लिक्विडिटी क्राइसिस। आपने सही कहा, कंपनीज हमें, जो बड़े कंपनीज हैं हमें पैसे, टुडे यू विल टॉक अबाउट एन ऑटो सेक्टर क्राइसिस, द ऑटो एंसिलरीज आर द वंस हु आर सफरिंग, दे आर द वंस हु डोंट गेट द कैश डाउन द लाइन। यू टॉक अबाउट द एनपीएस ऑफ बिग कंपनीज, व्हाट डज द स्मॉल पर्सन डू? उनको, उनका कहना है कि सरकार ने हमें कुछ शॉक अब्सॉर्बर नहीं दिया है जिससे अगर हम लिक्विडिटी क्राइसिस में आ जाए, हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट? लुक एट द नंबर ऑफ स्मॉल स्केल कंपनीज सर व्हिच हैव क्लोज्ड डाउन इन द लास्ट 3 years. डू यू कंसीड डीमोनेटाइजेशन सर इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड? आज 3 साल 2.5 साल हो गए, क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं छोटे जो कारखाने हैं उनको नुकसान हुआ? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं 15-20 दिन पहले यही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आया था और पहली बार 20 एमएसएमई ने स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन किया। अब हमारे 40% एक्सपोर्ट में हमारा एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है और अभी सिन्हा कमेटी का रिपोर्ट मिला है और मैंने, निर्मला जी ने और मैंने हमारे दोनों सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी और हमारे एमएसएमई सेक्रेटरी को कहा कि इसका फाइनल रिपोर्ट आप हमको 30 उन्होंने रिकमेंडेशन दिए है। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 10,000 करोड़ की प्रोविजन कर रहा हूँ, 10,000 crores, हाँ, और आपको बता दो मैंने क्या रिकमेंड किया है कि एमएसएमई बैंक में नहीं जाएगी। जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी बड़ी कंपनियां जाके स्टॉक में अपने शेयर को पैसा खड़ा करती है, वैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बाकी जगह पर एमएसएमई जाएगी और जो भी कैपिटल खड़ा करेगी 10% सरकार कैपिटल देगी और बाकी मार्केट से खड़ा करेगी। इस देश में आज 10,000 एमएसएमई आज भी ऐसी है कि जिनका प्रॉफिट अच्छा है, एक्सपोर्ट अच्छा है, वो जो अच्छा काम कर रही है, तो उनको आराम से हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में ले जाएंगे ताकि कैपिटल मार्केट से उनको पैसा मिलेगा। दूसरी बात, जो मैं वर्ल्ड बैंक, एडीबी और केएफडब्ल्यू के लोन की बात की, ये लोन की कैपिटल कॉस्ट जो है, इंटरेस्ट कॉस्ट हम कम करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं